डेटा हर जगह पे मौजूद है और हम में से काफी लोगों को यही नहीं पता कि डेटा को एनालाइज कैसे करना है, डेटा में से कैसे ड्रिवन डिसीजन मेकिंग करनी है और कैसे डेटा में से पैटर्न्स जान के हमने अपनी गलतियों को सुधारना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर अमार तोफैल और समर बूट कैंप के अंदर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम यही देखेंगे कि डेटा हर जगह पे कैसे मौजूद है और कितना डेटा अभी तक दुनिया में बन चुका है या आ रहा है और 2025 से 30 तक डेटा कितना हो जाएगा और क्यों डेटा एनालिस्ट की जॉब बहुत जरूरी है। लेट्स जंप इनटू इट। स्क्रीन आपके सामने हाजिर है, हमारा ये 3 माह का समर बूट कैंप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर रजिस्टर करवा सकते हैं। डेटा इज एवरीवेयर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि डेटा हर जगह पे मौजूद है और हमें इसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। आपने अक्सर औकात देखा होगा कि आपके पास इस तरह की डेटा विजुअलाइजेशन नजर आती है या आप अक्सर औकात जब देखते हैं डिफरेंट साइंटिस्ट आपको डेटा इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं या जब आप वेदर को देखते हैं तो उसके पैटर्न इस तरीके से नजर आते हैं। लेकिन वो कौन है जो इस डेटा को एनालाइज करते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहली चीज ये है कि डेटा हर जगह पे है और इस वजह से हमें पहले से बहुत ज्यादा डेटा एनालिस्ट की जरूरत है। ये वही लोग हैं जो डेटा को डीपली अंडरस्टैंड करते हैं और उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो डेटा को और भी ज्यादा डीपली देखते हैं और अपने बिजनेसेस को ग्रोथ की तरफ लेके जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मल्टीनेशनल कंपनी से लेके स्मॉल स्टार्टअप्स, अगर आप बिल्कुल आज ही स्टार्ट करें, आपके लिए भी एवरी बिजनेस जनरेट एंड रिलाइज ऑन डेटा टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, ऑप्टिमाइज ऑपरेशंस एंड स्टे कंपेटिटिव। अब डेटा सबके लिए जरूरी इस वजह से है, अगर आप एक बिजनेसमैन है, एक रिसर्चर है, एक डेटा एनालिस्ट है या आपकी कोई भी जॉब है वहां पे आपके पास डेटा मौजूद है, आप उनकी बेस पे, अपने डेटा की बेस पे आप खुद के प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इसकी मिसाल मैं देता हूं, अगर आप अपने पूरे साल का डेटा निकालें कि मैंने कितनी पॉकेट मनी खर्च की, तो उस हिसाब के आपको अंदाजा हो जाएगा कि मेरा साल का खर्चा कितना है और उसी बेस पे आप हर मंथ वाइज अपने खर्चा को कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं या उसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इसी तरीके से घरेलू अखराजात के अंदर, अब जैसे बिजली का बिल है या गैस का बिल है, आपके पास पूरे साल का बिल आ रहा होता है बिल के ऊपर, आप वहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको एक साल में कितना बिल पे करना पड़ता है और उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको सोलर पैनल लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। इसी तरीके से एक नान टिक्की वाला जो स्कूल के पास नान टिक्की लगा के खड़ा हुआ है, उसको पता है कि सैटरडे एंड संडे को स्कूल के बाहर नान टिक्की नहीं बिकनी, क्योंकि बैक ऑफ हिज हेड उसको पता है कि सैटरडे और संडे को छुट्टी होती है और भाई नांटी की मैंने किसको भेजनी है। तो ये डेटा जो है ये बेसिकली हर जगह से जनरेट हो रहा है और खास तौर पे छोटे बिजनेसेस से लेके बड़े बिजनेसेस तक लोग डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग और गवर्नमेंट लेवल पे डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं। और हम लोग अगर डेटा को नहीं जानते या डेटा को नहीं पहचानते तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्रिकेट मैच की एग्जाम्पल देता हूं, जितने भी इंग्लिश कंट्रीज हैं जो या जो अच्छे लोग हैं जो डेटा के साथ खेल के लोगों को एनालाइज करके फिर मैदान में उतरते हैं, यानी कि वो वाली टीम्स जो इस वक्त टॉप नॉच की हैं, आप अंदाजा करें उनके एक्शंस, उनके एंगल्स, उनकी बॉलिंग का स्टाइल, उनकी बॉलिंग का रन अप, इवन दो उनके बैटिंग के एंगल्स, सारे का सारा डेटा वो एनालाइज करके फिर ट्रेनिंग करते हैं। और अगर आपको नहीं यकीन आता तो आप देख लीजिएगा कोई भी मैच उठा के, वहां पे अक्सर औकात बॉलिंग के एक्शन की बात हो रही होती है। जैसे रिसेंट मैच के अंदर बुमराह की, जो इंडिया का एक बॉलर है, उसके एंगल पे बात की जा रही थी कि इवन 2 डिग्री का जो डिफरेंस है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। इवन दो हर एक डेटा आपके लिए बहुत मैटर करता है, जैसे रिजवान पिछले मैच के अंदर आउट हुए, उन्होंने क्रॉस शॉट मारने की कोशिश की बट वो वहां पे लगने के चांसेस बहुत कम थे। सो दीज काइंड ऑफ डेटा अगर हमें पता हो तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और हमारी क्रिकेट टीम भी बहुत आगे जा सकती है, बट दैट्स अ टॉपिक फॉर अनदर डे। आज हम बात कर रहे हैं कि डेटा एनालिस्ट किस तरीके से डेटा को एनालाइज करते हैं। ऑब्वियसली जब डेटा हर जगह पे है, हर छोटी बड़ी कंपनी डेटा पे रिलाई कर रही है, इसका मतलब है हर छोटी बड़ी कंपनी को डेटा एनालिस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है और अगर आप डेटा एनालिस्ट बन जाते हैं तो आपकी जो वो जॉब है वो इजीली लग जाएगी। अब एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि विद द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ डेटा, अभी जो इस वक्त एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, यानी कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही ग्रोथ फॉर डेटा कलेक्शन, आपको उतनी ही ज्यादा डिमांड है डेटा एनालिटिक्स की या डेटा एनालिस्ट स्किल्ड वर्कर्स की। एंड ये जो है ये डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज भी कर गई है और इसी वजह से आजकल डेटा एनालिस्ट की जॉब जो है वो मोस्ट सॉट आफ्टर प्रोफेशनल जॉब है आज के दौर के अंदर। और यही बात आपको मैं प्रूफ करने वाला हूं आने वाले दिनों में लेक्चर्स के साथ और साथ में डिफरेंट किस्म की रिपोर्ट्स को प्रेजेंट करके। जाहिर बात है जितना डेटा हर एक कंपनी यूज करेगी, एआई पे रिलाई करेगी या कोई भी किस्म की मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के एल्गोरिथम यूज करेगी, दैट कंपनी हैज टू गो विथ डेटा एनालिस्ट,
डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर्स एंड एआई वर्कर्स। लेकिन हम बात करें डेटा एनालिस्ट की, डेटा एनालिस्ट वो लोग होते हैं जितना भी डेटा है उससे ड्रिवन करते हैं कोई भी पैटर्न, और वो बताते हैं कि हाँ भाई जून जुलाई अगस्त में समर वेकेशन के दौरान आपके पास टूरिस्ट अट्रैक्शन ज्यादा होती है, तो आप उस वक्त ज्यादा अपने होटलों को अच्छे तरीके से मैनेज करें, खासतौर पर जो नॉर्दर्न एरियाज के लोग हैं। तो वो कौन बता सकते हैं? वो डेटा एनालिस्ट बता सकते हैं, या वो बंदा जिसको थोड़ा बहुत भी डेटा एनालिटिक्स का काम आता है। जितनी ग्रोथ हो रही है, आपको एक अंदाजे के मुताबिक मैं बताता हूं कि डेटा इज जनरेटेड फ्रॉम वर्चुअली एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। कुछ भी हम कर रहे हैं ना दुनिया में, उससे डेटा जनरेट हो रहा है, खासतौर पे सोशल मीडिया इंटरेक्शंस की बेस पे। फॉर एग्जांपल, आप यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, या फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं, या किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो या लेक्चर सुन रहे हैं, तो आप जो सुन रहे हैं आपके इंटरेक्शन की बेस पे पीछे डेटा कलेक्ट हो रहा है। आपकी प्रोफाइल में डेटा एनालिस्ट के की वर्ड्स की बेस पे आपकी प्रोफाइल स्टोर हो रही है, और आपका ये लेक्चर सुनना आपको इस तरह के और लेक्चर्स दिखाएगा जब आप यूट्यूब पे जाएंगे। दूसरी बात, सोशल मीडिया पर आप लाइक का बटन दबाते हैं, और इसी तवस्त से मैं आपको बोलूंगा कि प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अब जब आप लाइक का बटन दबाते हैं तो ये आपकी प्रोफाइल के अंदर ऐड हो जाता है, एंड देन द एल्गोरिथम स्टार्टेड शोइंग यू कि आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है। तो अगर आप भी डेटा एनालिस्ट किस्म की या डेटा साइंटिस्ट किस्म की या नॉलेज बेस्ड वीडियोस देखना चाहते हैं तो ऐसी वीडियोस को लाइक जरूर कर दिया करें। सोशल मीडिया इंटरेक्शन के अलावा फेसबुक, ट्विटर, एक्स जिसे बोला जा रहा है, या और भी जितनी कंपनीज हैं, वहां पे सारे का सारा डेटा कलेक्ट होता है, और वो डेटा बहुत ही महंगा डेटा है। यानी कि लोगों की इंटरेक्शंस की बेस पे लोगों को पैटर्न्स देखते हैं वो, और उसकी बेस पे उनको एड्स आती हैं। आपको भी पता होगा कि जब आप किसी दोस्त के साथ बात कर रहे हैं और आप किसी एक प्रोडक्ट का नाम लेते हैं तो आपको फेसबुक की एड्स के अंदर वो शो होना शुरू हो जाती है, इवन दो यू डिडंट टाइप, यू डिडंट सर्च, यू डिडंट इवन थिंक अबाउट इट इन अ वे कि आप सोशल इंटरेक्शन के थ्रू उनको बताएं। क्यों? क्योंकि आपने अलाउ किया होता है अपने मोबाइल के अंदर अपना माइक उस ऐप को, और यूजुअली वो उस ऐप के थ्रू, जो मेरा मानना है, वो माइक के थ्रू वो सुनते रहते हैं और वो आपको वैसे ही पैटर्न्स दिखाना शुरू कर देते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हमें पता चले कि मैं अकेला नहीं हूं, आप लोग भी मेरे साथ इस खेल में मुलव्वस हैं। खेल से मुराद ये है कि डेटा एनालिस्ट जो हम सीख रहे हैं वो कंपनीज उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। बाय द वे, आपने कभी ऑनलाइन परचेज की होगी, अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं तो draz.com पे, अगर आप दुनिया के अदर कोनों में हैं तो वहां पे आपके पास Amazon, Alibaba या डिफरेंट किस्म की जो ऑनलाइन परचेजेस आप करते हैं उसकी बेस पे आपके पास गूगल जो है वो अपना गूगल जो है अपने पास आपका डेटा सेव कर लेती है, एंड देन जो गूगल एड्स लगाते हैं वो फिर प्रिसाइजली आपको एड्स दिखाते हैं। इसी तरह वियरेबल डिवाइसेस, यानी कि ये मेरे पास अगर कोई वॉच है, अगर मैंने ये वॉच पहनी हुई है तो इस वॉच से जितना भी डेटा शो हो रहा है, मैं कितना चलाऊँ, कितना बैठा, कब सोता हूं, कब उठता हूं, ये सारा डेटा भी कैलकुलेट हो रहा होता है। इवन दो आप अलाउ करें या ना करें कंपनी के लिए, लेकिन आपके पास ये डेटा कलेक्ट हो रहा है। मैं अपना पिछला पूरे साल का, जब से मैंने ये वॉच लगाई, आई कैन मेजर माई ब्लड प्रेशर, कि मेरा ब्लड प्रेशर किन दिनों में ज्यादा था, किन दिनों में कम था। आई कैन ऑल्सो ऑप्टिमाइज सम अदर थिंग्स, यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड देर आर मेनी अदर थिंग्स, अगर आप ऐसी डिवाइसेज पहनते हैं जो आपको एस्टिमेशन करके देती हैं। सो डेटा जो है वो बेसिकली आप हर जगह से रिसीव कर रहे होते हैं और उसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं। स्मार्ट होम की गैजेट्स हैं, यानी कि ऑटोमेटिकली आपने कोई गैजेट लगाई है, कैमरा लगाया हुआ है अपने सीसीटीवी कैमरा के, आप ऐसे फेशियल रिकॉग्निशन के थ्रू वहां पे देखें और आपका गेट ओपन हो जाए, समथिंग लाइक दैट। सो स्मार्ट होम गैजेट्स भी, एंड इवन डेली कम्यूट कंट्रीब्यूशन टू द वास्ट ओशन ऑफ डेटा है। मिसाल के तौर पे आपने गूगल मैप यूज करते हैं, खासतौर पे जो लोग बाहर हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, दे यूज अलॉट दीज गूगल मैप्स, और वहां पे हम लोकेशन डाल देते हैं कि यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है, और हम अपनी लोकेशन पे पिन करते हैं प्रिसाइज, तो गूगल को तो पता होता है ना हम कहां पे हैं। सो उसकी बेस पे गूगल ऑप्टिमाइज करता है और हमें उस तरीके से उस रीजन की एड्स दिखाना स्टार्ट कर देता है। नहीं यकीन तो याद रखें, जब आप किसी और कंट्री में एक दफा लोकेशन ऑन कीजिएगा, आपको यूट्यूब पे वही एड्स आएंगे जो उस कंट्री की हैं। इवन दो आपका आईपी एड्रेस जो है वो भी कंट्री के बेस पे होता है, और गूगल जो है वो उसी बेस पे आपको एड्स दिखाती है। अगर आप इस वक्त ये वीडियो पाकिस्तान में सुन रहे हैं तो आपको इस वीडियो के अंदर एक या दो एड्स आएंगे वो पाकिस्तान की आएंगी, और इसी तरीके से अगर आप किसी और कंट्री में तो आपको वहां की एड्स आएंगी। मुझे अक्सर कहा जर्मन एड्स आ रही होती, बिकॉज आई एम लिविंग इन जर्मनी एट द मोमेंट, तो यहां पे जर्मन एड्स आ रही होती, इवन दो मुझे समझ कख नहीं आता, बट एड्स आ रही होती। सो डेटा इज एवरीवेयर। अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको क्या लगता है डेटा इन जगहों के अलावा कहां पे मौजूद है, राइट? अच्छा जी, एक अंदाजे के मुताबिक फोर्ब्स में एक आर्टिकल छपा था जो टॉम कॉफलिन ने ये आर्टिकल छापा था, और इन्होंने बोला कि 175 जीटा बाइट डेटा हो जाएगा 2025 के एंड तक, यानी कि अगले साल के एंड तक आपके पास जो डेटा है वो 175 जीटा बाइट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू IDC, जिसे हम इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन बोलते हैं, द ग्लोबल डेटा स्फीयर इज एक्सपेक्टेड टू रीच 175 जीटा बाइट बाई 2025। दिस एक्सप्लोजन ऑफ डेटा प्रेजेंट्स बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। ऑब्वियसली इतना
इतना ज्यादा डेटा का समुंदर जब आपके पास आएगा, अपॉर्चुनिटीज बेबहा हो जाएंगी, क्योंकि इसमें से ज्यादातर डेटा ओपन सोर्स होता है और बहुत कम डेटा होता है जो कंपनीज रिटेन करती हैं, वो किसी को देती नहीं है ड्यू टू प्राइवेसी इश्यूज। अब आप खुद सोचें, इतना ज्यादा डेटा अगर होगा तो लोग भी तो उतने चाहिए ना उसे एनालाइज करने के लिए। और इफ यू आर वन ऑफ दोज डेटा एनालिस्ट जो इस डेटा को एनालाइज कर सकेंगे, तो आपकी जॉब का मैयार जो है वो दूसरी जॉब से ज्यादा होगा। इवन तो आप सोच रहे होंगे कि एआई तो फिर डेटा एनालिस्ट की जॉब खा जाएगी, भाई नहीं खा सकती एआई, क्योंकि एआई जो है वो ह्यूमन लाइक डिसीजंस नहीं बना सकती। आपका कोई भी बिजनेस ओनर आपकी ऊपर यकीन कर सकता है, एआई पे यकीन करने में वो हिचकिचाएगा, बिकॉज दैट पर्सन नीड्स समबडी टू पुट समथिंग लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी, या उस पर वो ट्रस्ट बिल्ड करके आगे चलेगा। एआई की बेस पे बहुत कम लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है। सो आप फिक्र ना करें, अगले 5-6 सालों में आपकी जॉब नहीं जाने वाली, बट उन लोगों की जॉब जाएगी जो डेटा एनालिस्ट के अंदर एडवांस किस्म के एल्गोरिथम्स को यूज नहीं करते। तो हम उनको भी देखेंगे, बट पहले इस बात पर गौर करते हैं कि 175 जीटा बाइट है क्या। तो यहां पे एक मैं आपको ग्राफ दिखाता हूं जिसके अंदर जीटा बाइट्स के बारे में मैंने आपको बताया। ये बेसिकली IONOS का ये ग्राफ है बेसिकली, और इसमें इन्होंने बताया हुआ कि बिट्स क्या होते हैं, ठीक है, और निबल आता है, फिर बाइट आता है, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट। ये MB तक तो आपको पता है ना कि 1000 जो है वो किलोबाइट्स को हम मेगाबाइट्स बोलते हैं, फिर गीगाबाइट्स है, फिर टेराबाइट्स है, फिर पीटाबाइट्स है, फिर एक्साबाइट आता है, फिर जीटाबाइट आता है। सो जीटाबाइट जो है वो इतना ज्यादा डेटा है जो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूं तो हमारे पास जितना डेटा एक बिट में होता है उससे कहीं ज्यादा एक जीटाबाइट में होता है। आप कह सकते हैं कि यहां से गीगाबाइट से अगर हम आगे आते जाएं तो ये जीटाबाइट होता है। और इसके एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि इसके बाद भी डेटा का एक पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं योटाबाइट, फिर उसके बाद ब्रोंटोबाइट। तो आपने क्या करना है, अब आपने अंदाजा लगाना है कि जीटाबाइट में कितने जीरो होते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि जीटाबाइट में कितने जीबीज होते हैं तो आपने वो कमेंट सेक्शन में लिखे। दिस इज अ शॉर्ट असाइनमेंट फॉर यू गाइज। अब जीटा बाइट का मैंने आपको बता दिया क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से ये आता है, किस तरीके से स्केल होता है। आपने छोटा सा काम करना है, एक जीटा बाइट में कितने जीबीज होते हैं आपने ये कमेंट सेक्शन में लिखना है। इससे क्या होगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से जीटा बाइट काम करता है और डेटा कितना ज्यादा आने वाला है। और डेटा सिर्फ में इमेजेस, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, और देर आर मेनी अदर डेटाबेसिस जिनकी मैं बात कर रहा हूं। डेटा किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, इट शुडन ओनली बी इन टेक्स्ट फॉर्मेट या नंबर्स की फॉर्मेट में, इट कुड बी एनीथिंग। तो डेटा कैन बी एनी मीडियम, डेटा कैन बी एनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको हम आने वाले दिनों में भी पढ़ने वाले हैं। प्राइमरी डेटा क्या है, सेकेंडरी क्या है, न्यूमेरिक क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, इस तरह की चीजें हम पढ़ेंगे। बट फॉर नाउ यू नीड टू लर्न जीटाबाइट क्या होता है, ठीक है। अच्छा जी, जब आप जीटाबाइट को लिखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से आपका जो डेटा है वो 2025 में इंक्रीज कर रहा है। अब आप मुझे बताएं, इतना ज्यादा डेटा होगा तो जॉब्स भी उतनी होंगी, और जॉब्स भी उतनी होंगी उन लोगों के लिए जो इस डेटा को हैंडल कर सकेंगे। इस वजह से आज के बाद एक्सेल की शीट में अगर आप 10-20 रोज से घबरा जाते हैं तो बिलीव मी डेटा एनालिस्ट जो हैं वो मिलियंस ऑफ रोज के साथ डील कर रहे होते हैं। सो आज से ऑनवर्ड जब डेटा एनालिस्ट के कोर्स की बात होगी, जो ये बूट कैंप है हमारा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप रजिस्टर करवा सकते हैं, तो आप प्लीज डरिएगा मत जब डेटा बहुत ज्यादा आता है। क्यों? क्योंकि अभी तो कुछ भी नहीं है भाई 2025 में, और उसके बाद और भी डेटा आने, जीटाबाइट्स में आने, तो फिर आप क्या करेंगे। स्टे ट्यून्ड, और इंशाल्लाह इसी तरह के लेक्चर्स आपको मैं दिखाता रहूंगा। एंड वी आर लर्निंग डेटा एनालिटिक्स इन दिस समर बूट कैंप 2024, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और इस कोर्स में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सो इसी के साथ ही मुझे इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।